मैं विकास आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फोक्सी फिल्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे कोल्हू या आप इसको क्रेशर भी कह सकते हैं के बारे में जो आसपास के गांव इलाकों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस कोल्हू की खास बात यह है कि जो आम कोल्हू होते हैं उसकी अपेक्षा जो इसका प्रोडक्ट होता है, इसका प्रोडक्ट होता है शक्कर, गुड़, राब, खांड आदि, वो 5 गुना अधिक मुनाफे में बिकता है। दोस्तों बात करें फ्लेवर की तो यहाँ पर कम से कम 20 तरह के फ्लेवर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो तक के पैकेट आप आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा ये अपने गुड़ या अपने प्रोडक्ट में क्या डालते हैं जो इतना महंगा इनका प्रोडक्ट बिकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस कोल्हू के ओनर मिस्टर योगेश शिवाजी से। चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाला बटन भी जरूर दबा दें। इससे होगा ये जो भी मैं किसानों से संबंधित वीडियो इस चैनल पर डालूंगा सबसे पहुंचेगी आपके पास। तो ठीक, तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरी जानकारी। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गन्ने से गुड़ का निर्माण कैसे होता है, फिर बाद में आपको पैकिंग का एरिया दिखाऊंगा कि कैसे, और फिर हम जानेंगे सारा कुछ योगेश जी से। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यह है गन्ने से गुड़ और शक्कर बनाने की प्रक्रिया। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं पहले हमको चरखी में 4 से 5 गन्ने डालने पड़ते हैं और इसको मतलब ग्राइंडिंग करके फिर ये रस नाली के द्वारा ये इसमें दोनों में जो आप ये देख रहे हैं इसमें ये मतलब कलेक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आपके जो ये देख सकते हैं आप पाइप बने हुए हैं, इनके द्वारा आगे जो इसकी ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये कढ़ाई में 3 प्रकार की यहाँ कढ़ाई बनी हुई है, पहली, दूसरी और तीसरी, इसमें ये कलेक्ट रस कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया 1 घंटे की होती है। दोस्तों इसमें रस थोड़ा कम हीट होता है, इसमें मीडियम हीट होता है, इसमें फुल हीट होता है। ठीक है, जब रस जैसे जैसे पकाया जाता है, रस को पकाने के बाद आज चाक पर डाल लिए जाते हैं और इससे गुड़ का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं बताऊंगा बाद में आपको पैकिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इस कोल्हू की मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ। दोस्तों इस कोल्हू से स्थायी किसानों का फायदा तो हो ही रहा है, क्योंकि ये जो गन्ना खरीदते हैं ये भी थोड़ा मतलब जो साधारण कोल्हू होता है उनसे थोड़ा महंगा खरीदते हैं, और 25 से 30 आदमियों को ये रोजगार भी यहाँ पर मिल रहा है। देखिए दोस्तों ड्रेस में आपको सारे वर्कर यहाँ पर नजर आएंगे, बिल्कुल टोपी वगैरह, कैप वगैरह, जो मतलब इस कोल्हू की ड्रेस है सब, साफ सफाई का ध्यान देखिए दोस्तों आप देख रहे होंगे टाइल्स वगैरह पूरे कोल्हू में लगी हुई है, मक्खी वक्की भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों अब मैं लेके आया हूँ आपको पैकिंग सेक्शन में, अब बारी आती है इस माल को पैक करने की। दोस्तों वहाँ से माल आने के बाद ये देखिए दोस्तों शक्कर जैसे कि आप देख सकते हैं 400, 500 और 1 किलो के पैकेट में यहाँ पे तैयार करके रखी जाती है, और फिर इसको स्ट्रैपिंग करके मशीन की मदद से स्ट्रैपिंग करके सेल के लिए भेज दिया जाता है। देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे गुड़ के जो छोटे छोटे पीस हैं पैक करके इसमें अपना पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों अलग अलग फ्लेवर के यहाँ पे गुड़ बना हुआ रखा है। दोस्तों आप जैसा भी फ्लेवर में बनवाना चाहते हैं यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है आसानी से। 20 तरह के फ्लेवर यहाँ पर गुड़ और शक्कर में डाले जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे आप आसानी से चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर ले सकते हैं। दोस्तों इस कोल्हू का उद्घाटन अपने हाथ से किसानों के मसीहा माने जाने वाले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष माननीय राकेश टिकैत जी के हाथों से किया गया था। ये बताइए कि आपको अलग से कोल्हू करने का आइडिया, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ये अलग तरीके से काम किया जाए? भाई किसान परेशान देखा किसी वस्तु जिस गुड़ को हम बनाते हैं उसे हम सही क्वालिटी में बनाएगा, सही रेट में बेचो तो करना किसानों को ठीक भाव मिलेगा, इस हिसाब से दिमाग में। सर ये आपका जो आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं गुड़, शक्कर और राब और खांड, ये आपका कहाँ कहाँ पे सेल होता है? ऑल इंडिया और बाहर एक्सपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। बाहर कितने देशों में होता है सर? 4-5 देशों में जा रहा है अभी, आज सुबह भी ऑस्ट्रेलिया गया। सबसे जरूरी सवाल हमारे दर्शकों को बताया कि ऐसा आपके प्रोडक्ट में क्या है कि आपका ये माल 5 गुना आम कोल्हू की अपेक्षा अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा महंगा बिकता है, परंतु कोल्हू की अगर बात की जाए, आम गुड़ की बात की जाए तो 3,000 रुपए क्विंटल भी नहीं बिक पाता किसानों का। इसकी सबसे खास बात है क्वालिटी, साफ सफाई, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं लगता, जो नेचुरल है उसी हिसाब से हम देखते हैं, फिर इसमें पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ लगता है।
कस्टमर को इस वजह से इतना महंगा पड़ता है। मतलब नेचुरल बनाते हैं आप? हाँ, और फ्लेवर भी बनाते हैं नेचुरल। अच्छा, फ्लेवर का कैसे है? पाउडर डालते हैं फ्लेवर में। कोल्हू बनाया, इसमें आपका कितना खर्चा आया, कितनी लागत लगी? इसमें 7-7 लाख। सर सबसे अहम सवाल आपका, जो मतलब जब गन्ने का सीजन होता है तब तो वही चलो ठीक है, गुड़ शक्कर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, गन्ने से प्रोडक्ट बनता है, पर 8 महीने की गन्ने की जो फसल होती है, फिर 4 महीने जब सीजन ऑफ हो जाता है गन्ने का, तब आप क्या करते हैं? हम 4 महीने का स्टॉक करते हैं, होल्ड स्टोर में आप स्टॉक करते हैं, उसको फिर लाते हैं अपने लिमिट के हिसाब। मतलब कच्चा गुड़ का जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूज करके दोबारा से मतलब रीपैकिंग करते हैं? नहीं, इसे बनाकर। दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को, गुड़ या शक्कर को खरीदना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन भी ये अवेलेबल हो जाएगा और आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो मैं इस गांव का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप अगर इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन आप अमेजोन पे इन सारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी बिजनेस से संबंधित और किसानों से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।